दोस्तों, पीकेआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए इंजन पुशिंग बैक लेके आए हैं। किसका? सिंगल लाइन का लेके आए हुए हैं, ठीक है। डबल लाइन का बता दिए हैं, अब सिंगल लाइन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसका भी जितने भी कंडीशन है सारे कंडीशन सेम है। क्या कह रहा है कि 15 kmph कब चलाएगा? जब दृश्यता साफ हो, ठीक है। सबसे सामने के वागन का हैंड ब्रेक कार्यरत अवस्था में हो, तो उस दौरान, और गार्ड क्या हो? सबसे सामने हो, उस सिचुएशन में गाड़ी का स्पीड क्या होगा? 15 kmph का होगा, ठीक है। अब बारी आता है 8 kmph। 8 kmph कब चलाएगा? जब दृश्यता साफ हो और गार्ड सामने के वाहन में ना हो। 8 kmph गाड़ी का पुशिंग बैक कब होगा? जब गार्ड सामने के वाहन में नहीं हो और दृश्यता साफ हो, उस सिचुएशन में 8 kmph का गाड़ी चलाया जाएगा, ठीक है। चलते हैं पैदल चाल। पैदल चाल कब होगा? वॉकिंग स्पीड कब होगा? सबसे पहला कुहासा मौसम में होगा। कब होगा? कुहासा मौसम में, जब दृश्यता साफ ना हो या आंधी तूफान किसी भी कारण से दृश्यता साफ ना हो, उस सिचुएशन में। और दृश्यता कितना दूरी तक न दिखना चाहिए? अगर 800 किलोमीटर तक नहीं दिख रहा है तो उसको क्या समझा जाएगा? दृश्यता साफ नहीं है। कितने दूरी? 800 मीटर तक। 800 मीटर तक अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप बोल दीजिए कि दृश्यता साफ नहीं है। इस सिचुएशन में पुशिंग बैक के दौरान गार्ड बाबू क्या करेंगे? गाड़ी से 400 मीटर आगे हरी झंडी लेकर पैदल चाल से चलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके डायग्राम की ओर। चलते हैं सिंगल लाइन का डायग्राम, ये हो गया आपका, ठीक है। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई गाड़ी यहाँ से खुली, गाड़ी इधर जा रही थी, किसी भी कारण से गाड़ी को अब पुश बैक करना है, चाहे चढ़ाव आदि के कारण गाड़ी आगे नहीं जा सकती है, या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन रास्ते पे आ गया, रेल टूट गया, तो उसको पुशिंग बैक करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में गाड़ी जब रिटर्न होगी, गाड़ी जो इधर रिटर्न होगी, तो इसका क्या कंडीशन है? इसका सिंपल है। डबल लाइन में क्या था कि T509 देना पड़ता था, कारण कि वहाँ नॉन सिग्नल हो जाता था, वहाँ उसको उस साइड का कोई सिग्नल नहीं मिलता था। वहाँ जो भी मिलता था अपोजिट डायरेक्शन का सिग्नल मिलता था, या एडवांस मिले या होम मिलता था, और जो भी पहले आता था वहाँ रुकना पड़ेगा। यहाँ वैसा कंडीशन नहीं है। ये सिंगल लाइन में एकदम सिंपल है। गाड़ी रिसीव करने का जो कंडीशन होता है, होम ऑफ करके जो लेते हैं, बस वही कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? गाड़ी इधर से आएगी, ठीक है। अब इसका फर्स्ट स्टॉप सिग्नल कौन सा है? ये होम है, ठीक है। सिंगल लाइन है तो ये होम होगा ही। गाड़ी यहाँ आके रुक जाएगी। गाड़ी कहाँ आके? गाड़ी यहाँ आके रुक जाएगी। गाड़ी यहाँ आके रुक गई, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से गार्ड बाबू आएंगे स्टेशन मास्टर के पास, ठीक है। यहाँ आएंगे, यहाँ लिख के देंगे। लिख के देने के बाद क्या करेंगे? फिर गार्ड बाबू अपने ब्रेक में जाएंगे। फिर यहाँ से गार्ड बाबू अपने ब्रेक में चले आएंगे। ब्रेक में जाने के बाद फिर गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ होम सिग्नल ऑफ किया जाएगा। पॉइंट वगैरह लॉक करके, जो भी कंडीशन है गाड़ी रिसीव करने का, करके फिर गाड़ी को चाहे जिस भी लाइन पर लेना हो वो लिया जाएगा, ठीक है। तो सिंगल लाइन में एकदम सिंपल है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें समझ में नहीं आएगा, बस एकदम सिंपल है, ठीक है। एक बार फिर समझा देते हैं सिंगल लाइन का। आपका सपोज कीजिए गाड़ी यहाँ है, कहाँ है गाड़ी? गाड़ी आपका यहाँ आके होम के पास आके खड़ी हो गई गाड़ी, ठीक है। अब गार्ड बाबू यहाँ से क्या करेंगे? स्टेशन मास्टर के पास आएंगे, ठीक है। यहाँ स्टेशन मास्टर के पास आए, कारण लिख के देंगे कि हम पुशिंग बैक करके आए हुए हैं, हमें रिसीव किया जाए। इसके बाद क्या करेंगे? फिर गार्ड बाबू यहाँ से चले जाएंगे, अपने SLR में चले जाएंगे। SLR में जाके फिर वहाँ से स्टेशन मास्टर क्या करेंगे? सिग्नल को ऑफ करेंगे, ठीक है। और सिग्नल को ऑफ करके गाड़ी को फिर रिसीव करेंगे। एकदम बिल्कुल सिंपल है। लेकिन डबल लाइन में क्या होता था? डबल लाइन में आपका क्या होता था कि गाड़ी या तो किसी भी, या तो अपोजिट लाइन या सीधी लाइन, किसी भी लाइन, या तो इस जगह होम के पास आके गाड़ी रुकती थी, या यहाँ एडवांस के पास आकर थी, जो भी पहले आता था। अब गाड़ी इधर से आ रही है तो ऑब्वियसली है कि ये होम पहले आ रहा है, तो गाड़ी यहाँ आके रुकेगी, एडवांस तक नहीं आएगी, ठीक, यहाँ रुकेगी। इसके बाद गार्ड बाबू क्या करते थे? गार्ड बाबू आते थे, कहाँ आते थे गार्ड बाबू? गार्ड बाबू यहाँ आते थे SM के पास, यहाँ आए, फिर यहाँ लिखित में मेमो देते थे। इसके बाद गार्ड बाबू क्या करते थे? इस पॉइंट को लॉक करवाते थे, ठीक है। इसके बाद क्या देते थे? T509 देते थे। T509 दे के यहाँ से पॉइंट्समैन को भेजते थे। पॉइंट्समैन इंजन में गाड़ी को पायलोटिंग करते हुए प्लेटफॉर्म पर लाते थे। आशा आप समझ गए होंगे, ठीक है। बस यही अंतर है सिंगल लाइन और डबल लाइन का। तो दोस्तों धन्यवाद, बस आज इतना। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल PKR Education को सब्सक्राइब करें।